अगर आप लोग दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि दैनिक भास्कर के द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उनके आंसर आपको देने होते हैं और हो सकता है कि आप इनाम पा सकें, कुछ जीत पाएंगे। इसमें किस तरह से भाग ले पाएंगे आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपने नंबर से इस नंबर पर कॉल करना होगा, 9190000072 पर। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आप मिस कॉल या कॉल कट हो जाएगी। उसके बाद आपके नंबर पर एक एसएमएस आएगा, यानी कि मैसेज आएगा। उसमें आपको एक लिंक दी गई होगी, उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेन पेज पर, जहां आप लोगों को कुछ सामान्य जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम हो गया आपका, एज हो गई, जीमेल हो गई, कौन शहर में रहते हैं, बस सामान्य जानकारी रहती है। बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। और आपको बता दूं कि ये लिंक सुबह 6 बजे खुल जाती है और शाम के 3 बजे तक खुली रहती है। और विजेता, जो भी विजेता बनता है, उसके नाम की घोषणा अगले दिन जो न्यूज़पेपर आता है उसमें आप लोग देख भी सकते हैं। और आप लोग ई पेपर के द्वारा भी, अगर आप नहीं पढ़ते हैं दैनिक भास्कर, तब भी ई पेपर के द्वारा भी आप लोग वहां भी चेक कर सकते हैं अपना नाम। अब बात करते हैं आज के सवाल क्या है। भारत में चली पहली ट्रेन ने कितना लंबा सफर तय किया था? तो मुझे तो लगता है सभी को मालूम होगा, 34 किलोमीटर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1853 में चली थी ये, बोरी बंदर से थाने की बीच, ठीक है? तो इसमें कितना, 34। एक क्वेश्चन सर आपके सामने है दूसरा, 1920-21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप सभी को मालूम होगा, ये तो एक तो थी आपकी राय बहादुर, और राय बहादुर दयाराम साहिनी, और दूसरे थे राखल दास बनर्जी। कौन कौन से? राय बहादुर, दयाराम साहिनी और दूसरे राखल दास बनर्जी, ठीक है? तो ये भी याद रखिए, आर बनर्जी भी कह देते हैं आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नंद वंश का, घनानंद शासक था। और आप देखिए, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चंस है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस है, ठीक है? तो इन्हें आप लोग फेल कर दीजिएगा। कल फिर हम लोग इन्हें क्वेश्चंस को, जो भी रहेंगे कल आपके दैनिक भास्कर में, उन्हें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है?